press the bell icon on the YouTube app and never भगा दिया, वैनिश कर दिया, उनकी बहु बेटियों को भी नंगा किया, शरीर भी लूटा, संपत्ति भी लूटी, प्रॉपर्टी भी लूटा, सोना चांदी भी लूटा और फिर उसको अफगान भगा भी दिया। तब ये लाइलाहा इल्लल्ला तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम कलमा, लाइलाहा इल्लल्ला मोहम्मद रसूलल्ला कहाँ चला जाता है। और ठीक उसी तरीके से ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग कभी फ्रांस में देखिएगा, कभी लंदन में देखिएगा, कभी यूके में देखिएगा, कभी इटली में देखिएगा, कभी ब्रिटेन में देखिएगा, और भारत में तो खैर इनको खुली आजादी है ही है, छूट है ही है। तो जब हमने ये न्यूज देखा कि यूएई कोर्ट ने मतलब 10 साल का प्रिजन, 10 साल का, और जिसमें कई लोगों को फांसी की भी सजा सुनाई गई है, कई लोगों को 11 साल की सजा सुनाई गई है, कई लोगों को मतलब उस पर पेनल्टी लगाई गई है, तो आखिर जब अरब ये स्टेप ले सकता है, जब अरब ऐसे टेररिज्म माइंडेड लोगों के लिए अलहनान बैठ करके बोल सकते हैं कि टेररिज्म माइंडेड के लोगों को कहीं पर भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मात्र 72 घंटे का रिपोर्ट है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो सशक्त, बहादुर और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद अंजू जी। जय हिंद नाज़िया जी। ये बताइए कि जिस तरह से बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हुए थे छात्र और गोली मारने के आदेश तक दे दिए गए थे, 100 से ज्यादा लोगों की वहां जान चली गई, उसके बाद यूएई में उनके समर्थन में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें तो सुना है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी उस जमात के खिलाफ। मतलब तब वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला फंडा है वो भी कहीं तेल लेने चला गया था। मैंने तो हमेशा कहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हमेशा गटर में चला जाता है, हमेशा तेल लेने चला जाता है या तेल बेचने चला जाता है। आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का जब एक कांग्रेसी समर्थक युवा मोर्चा का युवा विंग का जब वहां पर जाकर के भारत जोड़ो यात्रा का प्रदर्शन कर रहा था और उसका बहुत बड़ा बैनर पहन लिया था तो उसको भी कोड़े लगे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि फलस्तीन के समर्थक जो हज करने के लिए गए थे और वहां पर फलस्तीन के फेवर में बात करना स्टार्ट किया था और दुआएं चिल्ला चिल्ला कर मांगना स्टार्ट किया था तो उनको भी कोड़े लगे थे, जो आज तक अरब के जेल में है और कोड़े खा रहे हैं और एक वक्त का खाना मिलता है। उसके बाद फिर हमने मात्र 4 दिन पहले देखा है कि दुबई की प्रिंसेस महारा ने अपने अपने खाविंद, अपने शौहर, अपने मिजाजी खुदा को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। कोई फतवा आया? कोई फतवा नहीं आया। जब पाकिस्तान ने अफगानियों को लूट लाट करके भगा दिया, वैनिश कर दिया, उनकी बहु बेटियों को भी नंगा किया, शरीर भी लूटा, संपत्ति भी लूटी, प्रॉपर्टी भी लूटा, सोना चांदी भी लूटा और फिर उसको अफगान भगा भी दिया, तब ये लाइलाहा इल्लल्ला तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम कलमा, लाइलाहा इल्लल्ला मोहम्मद रसूलल्ला कहाँ चला जाता है। और ठीक उसी तरीके से ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग कभी फ्रांस में देखिएगा, कभी लंदन में देखिएगा, कभी यूके में देखिएगा, कभी इटली में देखिएगा, कभी ब्रिटेन में देखिएगा, और भारत में तो खैर इनको खुली आजादी है ही है, छूट है ही है। तो जब हमने ये न्यूज देखा कि यूएई कोर्ट ने मतलब 10 साल का प्रिजन, 10 साल का, और जिसमें कई लोगों को फांसी की भी सजा सुनाई गई है, कई लोगों को 11 साल की सजा सुनाई गई है, कई लोगों को मतलब उस पर पेनल्टी लगाई गई है, तो आखिर जब अरब ये स्टेप ले सकता है, जब अरब ऐसे टेररिज्म माइंडेड लोगों के लिए अलहनान बैठ करके बोल सकते हैं कि टेररिज्म माइंडेड के लोगों को कहीं पर भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मात्र 72 घंटे का रिपोर्ट है। जो यूएई के जो मंत्री हैं उन्होंने, अलहनान ने साफ लफ्जों में कहा है
के टेररिज्म माइंडेड के लोगों को धरती में जगह नहीं मिलनी चाहिए, तो ये बांग्लादेश के समर्थन में ये काहे को चले गए थे मक्का मदीना में हाहाकार मचाने के लिए और अपनी अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज दिखाने के लिए। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जहां पर है, जहां पर इस्लाम के 5 अरकान में से एक सबसे अफजल अरकान पूरा होता है, जब वो ऐसे मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे मोदी जी क्यों कर रहे हैं, पूछना तो बनता है। इस देश के हिंदू कर रहे हैं, पूछना तो बनता है। लेकिन पूछना बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मोदी जी के राज में या योगी जी के राज में ऐसा हो गया होता, 72 घंटे के अंदर ही सजा सुना दी गई होती, तो आप सोचिए पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता। वो जो इकोसिस्टम है विदेशों में बैठा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, अल जजीरा है, सब में छप गया होता। और फिर बात वही होती कि देखे यहाँ तो माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी देखे किस तरह से मुस्लिम विरोधी है, ये सब कुछ भी तो होता ना नाजिया जी। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ, किसी ने चू तक नहीं की। देखिए अंजू जी, मैं तो नाम ले रही हूँ, मैं तो अंजुम जी से बात करना चाह रही हूँ, मैं तो आरफा खानम शिरवानी से पूछना चाह रही हूँ, मैं तो जुबैर से पूछना चाह रही हूँ, मैं तो ध्रुव राठी से पूछना चाह रही हूँ, या ऐसे जितने भी अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं और आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इन सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई जब दुबई के प्रिंसेस महारा ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अपने शौहर को दे दिया, तो काहे को नहीं अपना एक वीडियो बनाया? बनाना चाहिए था ना, जरूर बनाना चाहिए था। अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट में जब 36 लोगों को कन्विक्शन हुआ था और उसके उसको बाइज्जत बरी करवाने के लिए जमायतुल उलमाए हिंद ने फंडिंग की थी और फ्रंट में आकर के उनको बहुत शरीफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो जमायतुल उलमाए हिंद के खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाया? बनाना चाहिए था ना। जब जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ वकील खड़े हुए थे, वही कबाड़ी वाला जो एक्शन मार रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, एक कबाड़ी वाले के लिए जब इतने बड़े बड़े वकील, जो आप और मैं तो वकील हूँ भाई और सुप्रीम कोर्ट में ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, दुनिया जानती है, मुझे भी वो वकील अपने किसी केस के लिए ना नहीं देंगे समय, बोलेंगे नाजिया एक हफ्ते के बाद आओ या एक महीने के बाद आओ, पर कबाड़ी वाले के लिए ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हो जाते हैं। तो इस पर क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए था ना। मोहम्मद इरफान इस्लाम जब रंगे हाथ पकड़ा गया कि वो आम पर मूत रहा था और हिंदुओं को पैक करके दे रहा था, तब काहे को इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया? बनाना चाहिए था ना। वो जो खली है, खली, कल मैंने देखा कि वो बहुत सारे मुसलमानों के भीड़ में बैठ करके उनके ठेले पर से आम खा रहा था, ओ खली भाई साहब, जरा किसी मुसलमान लड़की को छेड़ के दिखाना ना, क्योंकि मुसलमान मर्द जो है ना वो लव जिहाद के नाम पर 35 बोटियां भी रखते हैं, जरा लव जिहाद खली भाई साहब करके दिखाइए ना, जरा करके दिखाइए मुसलमान लड़की के साथ, फिर देखिए आपका क्या हाल होता है, जरा बताइए ना। देखिए गांधी जी के जमाने से मंदिर में जाकर के कुरान की आयत पढ़ना और राहुल बाबा तक अजमेर शरीफ में जाकर के चादर चढ़ाना, जरा उसी अजमेर शरीफ के अंदर जरा श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय पढ़ दे हाथ जोड़ करके, टुकड़ों में वापस आएंगे। अब बात आती है कि मदनी साहब भी चुप है महरा के स्टेप पर, इमाम बुखारी भी चुप है महरा के स्टेप पर, ईरान भी चुप है महरा के स्टेप पर, पाकिस्तान भी चुप है, अफगान भी चुप है, तुर्किस्तान भी चुप है, काहे चुप है भैया, काहे चुप है? क्योंकि हमारा अल कुरान जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, इसलिए अगर 3 तलाक मर्द दे सकता है तो 3 तलाक औरत भी दे सकती है। और अरब के इतने बड़े किंग की बेटी ने आज इस दुनिया के सारे मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर के मुंह पर तमाचा मारा है और बताया है कि ये जो तुम्हारा ला इलाहा वाला जो एक स्लोगन है ना, और ये सर तन से जुदा वाला स्लोगन है, ये माई फुट है और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिएगा आप गाये बगाये मोहम्मद बिन सलमान पूरी दुनिया को नजीर पेश करते हैं और पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि टेररिज्म को कोई भी देश एक्सेप्ट मत करो,
ये हमेशा वो अपनी अपनी एक्टिविटीज से समझाते हैं। जब अरब में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हुआ तो उन्होंने बाकी मुसलमान देशों को बताया कि आप रिफॉर्म हो सकते हैं। जब अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी लफंदरों को जब उठा करके फेंका गया, उनका वीजा कैंसिल करवाया गया, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को गैजेट भेजा गया कि भैया तुम अपने भिखारियों को यहाँ से उठा करके लेकर जाओ, तो उन्होंने बताया कि भारत भी एनआरसी कर सकता है। उन्होंने मैसेज भेजा कि भारत भी एनआरसी कर सकता है, तुम्हारे देश को जो कोई भी गंदा करेगा, आप मत सोचो कि वो मुसलमान है, कि वो सिख है, कि वो ईसाई है, कि वो बौद्ध है, कि वो जैन है, कि वो हिंदू है, जो कोई भी गंदा कर रहा है या तो आप उसको जेल की सलाखों में डालो और या तो फिर आप उसको शहर से, अपने देश से निकालो। ये बात तो वो बार बार बता रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी बता दिया कि 1939 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ था, पहली बार पत्तों से, पत्थरों से, यहां वहां से निकाल करके उसको एक प्रिंट करके एक किताब में तब्दील किया गया। और 1936 में ही ब्रिटिश और जिन्ना का शरिया कानून आ चुका था। तो इसमें कितनी कॉन्ट्रडिक्शन होगी, इसमें कितना मैनिपुलेशन होगा, ये मोहम्मद बिन सलमान जी को भी पता है। इसलिए अरब में शरिया कानून नहीं चलता है और सिर्फ अल कुरान की बात चलती है और अल कुरान का को ही माना जाता है। और जिसका रीजन ये है कि आज हमने देखा कि 53 बांग्लादेशी जो बांग्लादेशी के समर्थन में वहां पर अरब में कोहराम मचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे थे, वहां के देश को उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे थे, या तो फांसी की सजा या तो 11 साल जेल की सजा उनको मिल गई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकजी और नाजिया अली खान जी का पूरा डिस्कशन और इनकी दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की मुस्लिम ब्रदरहुड या फिर हम कहें मुस्लिम उम्मा की, जिसका पूरी तरह से तेल निकल चुका है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।